जरदारी, नो, नवाज शरीफ, इमरान खान। नाज़रीन यहाँ पर मेरे साथ एक हाफ़िज़ साहब मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ साहब अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है जी। इलियास साहब, मैं आपको 3 से 4 नाम दूंगा, तो आपने 1 वर्ड आंसर करना है, ठीक है? यस सर। अच्छा, जरदारी, नो, नो, नवाज शरीफ, चोर, चोर, इमरान खान, मुनाफिक आज़म। मुनाफिक आज़म, इसकी मैं रीज़न बाद में पूछूँगा। और TLP, जिंदाबाद। जिंदाबाद क्या वजह? क्योंकि उन्होंने दीन के लिए बहुत कोशिश की है और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और मुनाफिक आज़म मैंने, अब मैं खुद ही उसको बता देता हूँ आपको जी कि मैंने क्यों उसको बोला है। इसलिए बोला है कि उसने तरीक लबैक से जब फ्रांस का मामला हुआ तो 3 मरतबा मुआहदा किया है। मीडिया पर वो मौजूद है साहब को, ठीक है? 3 मरतबा मुआहदा करके उन्होंने जो है ना, तो हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी उनको जो है ना कैद किया है, जिसकी वजह से मैं उनको मुनाफिक आज़म कह रहा हूँ। तो TLP के लिए आप क्या समझते हैं कि इस बार जो इलेक्शन होंगे वो विन करेंगे, क्या चांसेस हो सकते हैं उनके लिए? जी, विन तो कर सकते हैं, बहुत चांस है, लेकिन अगर इधर जो है पाकिस्तान में आपको पता है कि मेरिट पे कुछ भी नहीं है, जो है ना धांधली वगैरह होती है, तो हमारा जो है मेरिट वो चोरी हो जाता है हर वक्त। अच्छा, मेरिट की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम है इस टाइम वो तो इमरान खान के साथ है। वो है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे, पहले नवाज शरीफ के साथ भी बहुत थे। इसका भी आपने देखा है फॉरेन फंडिंग में, जो अमेरिका गुलाम कहता है कि अमेरिका के हम गुलाम हैं, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग आया है कि उसमें उसने अमेरिका से ही लिया है, आप सबको पता है ये। तो चलें ठीक है भाई जान, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट।